भारतीय सीमा पर बीएसएफ के जवान 24 घंटे दुश्मनों पर निगरानी रखते हैं। कोई भी तारों के नीचे से आने की कोशिश करता है तो उसे सबक सिखाया जाता है, पर इस बार जो हुआ वह हैरान करने वाला था। दरअसल भारतीय सीमा में करीब 3 साल का एक पाकिस्तानी बच्चा आ गया। बच्चे को भारत के सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने चॉकलेट खिलाकर दुलारा और फिर उसे पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर अपनी दरियादिली दिखाई। घटना पंजाब की है। बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शुक्रवार की शाम को 3 साल का एक बच्चा पापा पापा कहते हुए भारतीय सीमा में चला आया। वो अनजान लोगों को देखकर डरा हुआ था, सहमा हुआ था और पापा के अलावा कुछ भी बताने में असमर्थ था। फिर क्या था, इसके बाद सीमा पर तैनात बीएसएफ बटालियन 182 के जवानों ने उसे गोद में लिया, चॉकलेट दिया और चुप करवाया। पाकिस्तानी रेंजर्स को इस बारे में जानकारी दी गई। कुछ ही देर में बच्चे के परिजन आए और बच्चे को उनके हवाले कर दिया गया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि बच्चा जैसे ही भारतीय सीमा में प्रवेश किया तो अलर्ट मोड पर खड़े जवानों ने उसे आगे तक आने दिया। अधिकारियों का कहना है कि बच्चा बहुत छोटा था और वो अपना नाम पता कुछ भी नहीं बता पा रहा था। बता दें कि सीमा पर ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं और हमारे जवान मानवता का परिचय देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।